तो सोम की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आजकल की डेट में रिलेशनशिप बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जहाँ 15 साल का एक लड़का जिसे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, उसे बस पता होता कि उसे एक मस्त सी गर्लफ्रेंड बनानी है और फिर प्यार करना है, और फिर उसी प्यार के बाद दर्द की शुरुआत होती है, और फिर हम अरिजीत सिंह के गाने सुनकर अपने गम को डबल कर लेते हैं। और अरिजीत सिंह के गाने की एक एक लाइन एक एक लिरिक्स हमें ऐसे लगते हैं कि वो हमारी स्टोरी से उठाए गए। तो बदलाव जरूर है, क्योंकि प्यार में धोखा खाने के बाद प्यार में डूबे रहना जरूरी नहीं है, जरूरी है लाइफ पर फोकस करना, और जरूरी है कि हम उस गम से कैसे बाहर निकल सके। तो बस एक मार्केट में नई दवाई है जो ब्रेकअप होने के बाद आपके काम आएगी, और उस दवाई यानी उस सॉन्ग का नाम है क्या लोगे तुम, जिसमें हमारे खिलाड़ी भैया मतलब अक्षय कुमार आपको नजर आने वाले हैं मेन किरदार में, जो एक शो करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड अमायरा दस्तूर के साथ जाते हैं। और जब अक्षय कुमार उस शो को करने के लिए जाते तो अपना फोन अपनी गर्लफ्रेंड के पास भूल जाते हैं, और जब अक्षय कुमार अपना फोन लेने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं तो उन्हें मिलता है एक धोखा जो उनकी गर्लफ्रेंड उनसे कर रही होती है, और फिर अक्षय कुमार सैड होकर उसे बिना कुछ महसूस कराए हुए शो पर आ जाते हैं और एक सॉन्ग गाने लगते हैं। इसके लिरिक्स है, दौलत या शोहरत दुआ लोगे तुम, या कोई महल नया लोगे तुम, ओ यार मेरे तू बता दे मुझे, और सबसे बेस्ट और मेरी फेवरेट लाइन, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, चांद या तारे हवा लोगे तुम, या लिखने की मेरी कला लोगे तुम। इन लिरिक्स को सुनकर मजा आ गया। जहाँ प्यार के बाद दुखी होकर हम परेशान होते हैं, वहीं इस गाने में कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है, क्योंकि पूरे 4 मिनट का ये सॉन्ग आपको याद दिलाता है कि आपकी भी कोई वैल्यू है। इस गाने के लिरिक्स सुनकर आपको महसूस होगा कि आपका भी कोई जमीर है, जान है तो जान थोड़ी दे देंगे हम। यार क्या सॉन्ग बनाया है, कमाल कमाल कमाल, और अक्षय कुमार की डांस परफॉर्मेंस देखकर तो मजा आ गया, वाओ। अगर इस सॉन्ग के लिरिक्स को आप अपनी जिंदगी में उतार लेते हो तो आप अपनी नजर में ही ऊपर उठ जाते हो। तो देखो, अगर सॉन्ग की स्टोरी की बात करें तो इस सॉन्ग में अक्षय कुमार की गर्लफ्रेंड अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप में रहती है, क्योंकि उसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, मतलब पैसे के लिए प्यार, ऐसा ही होता है मेरे यार। और जब हम लड़कों को ये पता चलता है कि हमारी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे से बात कर रही है तो हम उदास होकर अपने आप को कोसने लगते हैं और हम अपने अंदर ही कमियां निकालने लगते हैं, क्योंकि हमें अपनी वैल्यू का पता ही नहीं होता है। और उसी पैटर्न को चेंज करने के लिए सॉन्ग बनाया गया। जब लोग सॉन्ग में धोखा खाने के बाद या तो लड़का खुद को मार लेता है या फिर लड़की को देता है, वहीं ये सॉन्ग हमें अपनी वैल्यू के बारे में बताता है। और कोई भी लड़की जो आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर फ्रेंड है, अगर वो आपसे धोखा करते है तो रोने धोने की बजाय आपको उससे एक ही बात कहनी है, उठो जाओ लड़को, तुम्हारे लिए की स्पेशल सॉन्ग आया जिसे सुनकर तुम प्राउड फील करोगे, क्योंकि इस सॉन्ग में लड़की नहीं लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ता है, और इस सॉन्ग को देखने के बाद आप में भी वो कॉन्फिडेंस आएगा। और सॉन्ग इतना दमदार है कि इस सॉन्ग को एक बार सुनने के बाद आप इस सॉन्ग को 4-5 बार जरूर सुनोगे। और इस सॉन्ग के सिंगर है बीपाल, जो एक से बढ़कर एक सॉन्ग लाते हैं। सॉन्ग काफी दमदार है, लिरिक्स काफी मजेदार है, और वीडियो टॉप ऑन टॉप, और म्यूजिक A1 फाड़ू, और मैं इस सॉन्ग को 5 में से 4.5 की रेटिंग देता हूँ। आप लोग इस सॉन्ग को जरूर सुनना, और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। वैल्यू का पता ही नहीं होता, क्योंकि हमें अपनी अपनी वैल्यू प्यार में डूब